धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीराम चंद्रम शरणं प्रपद्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्य श्रीरामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण श्रीरामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण नव पीतमानं तरितरुचि सूति नौमि जनकसुता इति वदति तुलसीदास
सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल द्रवं सुदशरथ अजीर विहारी सुदशरथ अजीर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरु देव की नाई कृष्ण लाल की जय। आइए एकाग्र भाव से हरि नाम पुकारें सब लोग। गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ गोविंद तालियां बजाते हुए गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए
राधे। जय हो चलिए वृंदावन भगवान कृष्ण को याद करते हुए इंदौर की धरा से भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इस शहर को और चलिए वृंदावन। श्री राधे गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे।
राधे। कृष्णलाल की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।
परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज बहुक भक्तजन भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांक्षाकल्पतरु भगवान श्री रामचंद्र उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप रामचरितमानस महाकाल का क्षेत्र और इंदौर की पावन धरा जहां से यह राम कथा की धारा प्रवाहित हो रही है। आज द्वितीय दिवस की बेला में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और जो लोग टेलीविजन के माध्यम से राम कथा रसपान कर रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तब सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल भाग्य है और भाग्य का फल भगवान की कथा। लोग ये सोचते हैं कि भाग्य उदय होता है तो बहुत सारा धन मिलता है। हमारी ऐसी सोच है कि भाग्य उदय का मतलब है बहुत धन मिलता है, लेकिन ऐसा धन किस काम का जिसको मौत छीन ले। हाँ, एक दिन जो मिट जाने वाला है, यही छूट जाने वाला है, वह धन मिल भी जाए तो वह तो बढ़िया भाग्योदय नहीं हुआ। फिर बढ़िया भाग्योदय क्या है? ऐसा धन मिल जाना जिसको मृत्यु भी छीन न पाए, कोई चोर डके तो उसको लूट भी न पाए, यमदूत भी उसको छीन न पाए, और वो है भगवान के नाम का धन, भगवान के कथा का धन। ये हमारा बढ़िया भाग्योदय है। और इसलिए कभी कभी कहता हूं कि कथा में आने वाले लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, बड़भागी हैं वे लोग जो भगवान के चरित्र में, भगवान के स्मरण में संयुक्त रहते हैं, लीन रहते हैं, बड़भागी हैं वे लोग। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट और राम कथा आयोजन समिति के द्वारा बहुत ही पुनीत और पावन संकल्प लिया गया है हमारे इस क्षेत्र के पार्षद बबलू भाई और उनके सभी सहयोगीगण जिन्होंने इतना प्यारा आयोजन किया है, एक अच्छे संकल्प के साथ आज दूसरा दिवस प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे नए लोग भी आ जाए हैं, जो शंकर कल अकेले आए थे वो आज अपनी अपनी सतियों को भी लेकर आए हैं। धर्म कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही, गृहस्थ व्यक्ति को दो कार्य साथ में करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बन जाए, आपके घर में भी रामराज्य आ जाए, दो कार्य गृहस्थ व्यक्ति को साथ में करना चाहिए। संभव हो सके जहां तक भोजन और भजन, ये दोनों पति पत्नी को साथ में करना चाहिए। दोनों समय का न संभव हो पाए तो एक समय तो करना ही चाहिए।
प्रेम बढ़ता है। भगवान का भजन भी करने बैठो तो साथ में भजन करो, दोनों मिलकर भगवान का सुमिरन करें, घर में रामराज्य होगा। और ऐसे घर में आहा साक्षात प्रभु का निवास होता है, जहां पूरा परिवार बैठकर साथ में भगवान का संकीर्तन करता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि बापू जब हम साथ में करते हैं तो दुनिया वाले आजकल बड़ी बातें करते हैं, बड़ा व्यंग करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, दुनिया को बोलना है तो बोलने दो, लोगों का काम है कहना। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। खंडवा पास में है ना, इसलिए किशोर भाई की याद आ जाती है कभी कभी। बड़ा प्यारा गीत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया किसी भी तरह छोड़ेगी नहीं, कुछ न करो तब भी कहेंगे। हाँ, भजन नहीं करोगे तो फिर हम लोग कहेंगे, और भजन करोगे तो फिर ये दुनिया वाले कहेंगे। लेकिन एक मैं निवेदन आपसे करूं, जितना लोग कहेंगे उतनी जल्दी आप भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। लोग जितना आपको परेशान करेंगे, आप उतनी तेज गति से। एक बार गांव के किसी कुत्ते को काशी जाने का मन हुआ, इंदौर के पास का कोई। तो उसने अपने सभी सगी संबंधियों को बुलाया और कहा कि भाई मुझे काशी जाना। तो सारे कुत्ते मुंह देखने लगे कि काशी जाना, अरे जो काम हमारे बाप दादा ने नहीं किया। बोले इसलिए तो सोच रहा हूं कि मैं अपने सगे संबंधियों की ओर से, अपने परिवार वालों की ओर से और अपने जाति वाले के लोगों की ओर से काशी हुआ था। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, जितने क्षेत्र के कुत्ते थे उसके जाति वाले सब, और खुशी से सब एक महीने लगातार भौंके। उनकी अपनी भाषा में खुशी मना रहे थे। सब आसपास के क्षेत्र के सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए कि हुआ क्या। और जब सब आ रहे हैं तो सबको पता चल रहा है कि भाई एक काशी जाने वाला। सब खुशी मनाने लगे और धीरे धीरे वो वक्त आया जब उस कुत्ते को काशी जाना था। तारीख आ गई तो सारे कुत्तों ने एक बड़ा आयोजन किया। एक बूढ़े वाले कुत्ते को उसने अध्यक्ष बनाया गया, थोड़ा अनुभवी था वो, तो उसको अध्यक्ष बनाया। और काशी की बात आई तो सबके आंख में आंसू ढीले ढाले से हो गए खुशी के कारण। उनकी अपनी स्टाइल होती है खुशी की, कोई पूछ हिला रहा है, कोई कान उठा रहा है, कोई कुछ, सब बड़े खुश कि हमारी जाति में कोई पहला कुत्ता ऐसा है जो काशी जा रहा है। तो सबने पूछा कि ये आपने जो निश्चय किया है महाशय, कितने दिन में यात्रा पूरी कर लेंगे। तो कहा कि भाई अब यहां इंदौर से रोज पैदल चलेंगे तो कम से कम 15 दिन तो जाने में लगेगा, और फिर 15 दिन जाने में और फिर वहां पहुंचकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, संकट मोचन जी का दर्शन, अन्नपूर्णा माता का दर्शन, और फिर गंगा स्नान, साधु महात्माओं का सत्संग, अब ये सब करते करते 8 दिन तो लगेंगे। तो पूरी यात्रा उसने 1 महीने की बताई, 1 महीना लगभग हो जाएगा, 15 दिन जाने में, फिर कुछ दिन वहां रुकेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, सबके पांव प्रक्षालन करेंगे। अब जा रहे हैं तो सबके लिए कुछ न कुछ तो मांग कराएंगे ना। तो सब ने खुश होकर के फुलहार किया, स्वागत किया और कहा कि देखो आने से पहले मुझे वहां से एक एक रिंग कर देना, मिस कॉल कर देना, उनकी अपनी अपनी भाषा में जो भी उनको सहूलियत होगी, एक बार मुझे सूचना कर देना बस।
ताकि आप आए, इतना बड़ा कार्य करके आप आएंगे तो हम आयोजन करेंगे, आपको फुलहार करेंगे, बड़ा स्वागत किया जाएगा। और सारे क्षेत्र के कुत्ते ने उसका स्वागत किया, फुलहार किया और उसको विदा कर दिया। करीब 15 दिन बीता और अचानक वो कुत्ता एक दिन नगर में आ गया। सब लोगों ने कहा कमाल है, अरे फोन तो किया होता, आपने तो कहा था 1 महीने में आएंगे और अचानक 15 दिन में। उसने कहा सब हमारे जाति वालों की कृपा। क्या मतलब, तुम काशी गए नहीं क्या? बोले गए, 5 दिन वहां रुके भी, लेकिन सब जाति वालों की ऐसी कृपा, जो यात्रा में 1 महीने में पूरा करने वाला था, अब यहां से निकलकर दूसरे गांव गया, वहां के हमारे जितने भी जाति वाले कुत्ते थे सब मेरे पीछे पड़ गए, इतनी तेज मुझे दौड़ाया। मैंने सोचा अगली गांव पहुंचूं, शायद वहां शांति मिले, लेकिन वहां के 4-5 और इकट्ठे हुए, वहां भी मुझे दौड़ाया, और जो यात्रा 15 दिन में करना था 3 दिन में काशी पहुंच गया। तो कभी कभी मेरे भाई बहन, हमारे भी जाति वाले लोग, हमारे भी समकक्षी लोग जब ज्यादा बोलने लग जाए ना, तब समझना कि अब जरा हम जल्दी ही राम दरबार पहुंच जाएंगे। इसलिए दुनिया की फिक्र की कोई परवाह मत करना, लोग बोले तो बोले। हाँ, भोजन और भजन साथ में करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर, चलिए हम पुनः एक बार कल के प्रसंग पर जहां कथा विराम हुई थी सुनिए, समझिए और चलते हैं, प्रवेश करते हैं राम कथा की ओर। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता का युग, त्रेता का भी चतुर्थ चरण, भगवान शिव चले हैं राम कथा सुनने। एक बार त्रेता युग माही, गाइए आपको भी आनंद आएगा। ये संगीतमय कथा है, नारदीय शैली की कथा है, व्यास पद्धति की कथा में श्रोताओं को चुप रहना चाहिए, यदि बोलेंगे तो दोष लगेगा, लेकिन नारदीय कथा में संगीत प्रधान है। नारद जी स्वयं भी तो संगीतकार है ना, दिन भर नारायण नारायण करते रहते हैं, गाते ही रहते हैं नारायण। यहां यदि श्रोता मौन रहेंगे तो दोष लगेगा, इसलिए प्यार और भाव से। एक बार त्रेता युग माही, गए कुंभ ऋषि पाई, शंभु गए कुंभ, एक बार भगवान शंकर चले हैं त्रेता के चतुर्थ चरण में, कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर। चलते 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 अपनी पत्नी सती को भी साथ में लिया है और बाबा तुलसी ने बड़ी तारीफ की, साथ में कौन, संग सती जग जननी भवानी, संग सती साथ में जगदम्बा, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी दयानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी,
राम जय राम भगवान शंकर साथ में अपनी पत्नी को लेकर चले और बाबा तुलसी कहते हैं संग सती जगदन बड़ी तारीफ की बड़ी प्रशंसा की। केवल अभी कथा सुनी नहीं है सुनने जा रहे हैं और संत के मुख से प्रशंसा फूट पड़ी आह साथ में जगदम्बा जा रही है। आए हैं दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम पर और देखो बड़े मजे की बात आनंद सागर की कथा सुनने किसके पास आए हैं ऐसे महापुरुष के पास जिसका जन्म ही गड़े से हुआ। सती ने जब देखा और उनको पता चला कि बाबा का जन्म गड़े से हुआ है तो सती के मन में वहीं से थोड़ी डाउट हुई शंका हुई कि गड़े से जन्म लेने वाला व्यक्ति इतनी विशाल राम कथा कैसे गा सकता है। और फिर कुंभज ऋषि ने सोचा कि भले ही मेरे द्वार पर श्रोता बनकर आए हैं शिव लेकिन आखिर विश्वंभर हैं जगत के नाथ हैं भोलेनाथ। तो मन में भाव आया अगस्त ऋषि ने भगवान शिव को वंदन किया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं निराकार मूकार मूलं तुरीयं। सब गाइए भाव से निराज्ञान गोती करालं महाकाल कालं कृपालं महाकाल के नजदीक हैं हम लोग इसलिए करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो सारा दृशंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन मौलिकं लोलिनी चारु गंगा सद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं वदंभान कोटि प्रभासं भान कोटि प्रभासं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं
भगवान शिव को वंदन किया, बड़ी प्यारी स्तुति गाई, आरती उतारी, चरण प्रक्षालन किया। सोचा कि भले ही श्रोता बनकर आए हैं लेकिन जगदीश हैं। तो जब शिव की वंदना कर रहे थे, साथ में मां भी बैठी हैं, तो मां जी की भी आरती उतारने लगे। सती के मन में यहां से थोड़ा संशय हुआ। सती ने सोचा कि लोग वक्ता को प्रणाम करते हैं और यहां उल्टा ही हो रहा है, वक्ता हम सबको प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब है इसको कुछ आता नहीं, घबरा रहा है, डर रहा है और डर के मारे हाथ हाथ जोड़ रहा है। एक संत की सरलता पर सती ने कितना गलत अर्थ कर लिया। हाँ, और ध्यान देना, मैं कथा के माध्यम से प्रार्थना करूं मेरे भाई, किसी की सरलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यदि आपको कोई प्रणाम करे, बार बार में आपको हाथ जोड़ ले बात बात में, तो कृपया ऐसा न सोचा जाए कि आपकी कोई महिमा है। नहीं, संतजन कहते हैं सरल व्यक्ति की ये पहचान है, वो झुका ही होता है। जिस वृक्ष में फल लग गया उसकी डालियों को देखना झुक जाता है। जिसमें समझदारी आ गई, ज्ञान आ गया, ज्ञान का फल लग गया, फिर वो झुक ही जाता है, फिर वो अकड़ में नहीं रहता। और जो बहुत अकड़ में रहे, जो बहुत मैं करता हो, समझना इसके भीतर अभी समझदारी नहीं, अभी ज्ञान नहीं है। और एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही कि अकड़ वाले लोग उस मुर्दे की भांति होते हैं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। हाँ, अकड़ में रहने वाला उस मरे हुए मृत मुर्दे की तरह है। जीवन में सरलता आनी चाहिए। संत सरल होते हैं, अपनी सरलतावश उन्होंने प्रणाम कर लिया, तो सती ने बड़ा गलत अर्थ कर लिया। कोई आपको प्रणाम करे ना, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आपकी महिमा नहीं है, प्रणाम करने वाले की महिमा है, उसके भीतर ज्ञान है, कम से कम उसने झुकना तो सीखा। इसलिए कोई प्रणाम करे तो ये बिल्कुल सोचना ही मत कि तुम्हारी कोई महिमा है, अपनी सरलता का परिचय दे रहा है वो। सती ने एक संत की सरलता पर संदेह किया और परिणाम ये हुआ, जब महाराज ने कथा शुरू की, भोलेनाथ तो कथा में डूब गए, सती खाली हाथ बैठी रह गई। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम महाराज ने सुनाई, पूरी व्याख्यान की। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं वहां दो बैठे हैं, भगवान शिव और सती, दोनों ने एक ही सुन पाए, भगवान भोलेनाथ। राम कथा जरूर हैं वहां, लेकिन शिव सुन पाए, सती नहीं सुन पाए। कल मैंने आपको कहा था ना कि तन के साथ साथ मन को भी बिठाना जरूरी है, वरना हम कथा में बैठे रह जाएंगे, कथा हमारे भीतर नहीं बैठेगी। ज्यादातर लोग तन तो लेकर आते हैं, मन घर पर छोड़कर आ जाते हैं। हाँ नहीं प्यारे, तन के साथ साथ मन भी यहां हो, और एक बार मन उसमें लग गया ना, तो फिर मैं भरोसे के साथ कहता हूं, फिर जानत तुम ही हो जाए,
एक बार जिसका मन लग गया फिर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। एक बार उस स्वाद को जिसने जान लिया। जो लोग नहीं आ, कई बार लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि बापू पहली बार में कथा में 10 मिनट के लिए आया था, सोचा कि जरा अपनी माता जी को छोड़ दूं और 10 मिनट सोचकर आया था और ऐसी लगन लगी कि लगातार इतने सालों से मैं सुनता चला आ रहा, 10 मिनट के लिए आया। ये होती है लगन। एक बार भूल से भी उसमें मन लग जाए फिर जानत तुम ही हो जाए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं आपको प्रभु कोई जान नहीं सकता है, और यदि कोई जान लिया तो फिर वो दुनिया के जानने लायक होता भी नहीं, फिर तो जानत तुम ही हो जाए। एक बार बस मन लग जाए उसमें। हाँ, सती का मन नहीं लगा, कथा में बैठी है और मन में वही बात चल रही है कि ये क्या सुनाएंगे कथा, बताओ अभी से प्रणाम कर लिया, डर रहे हैं क्या था जाता होगा। यानी अगस्त ऋषि के हर व्याख्यान पर सती को संदेह होने लगा। अक्सर ऐसा होता है, हम किसी के प्रति जिस भावना से देखें हमें वो ऐसा ही दिखाई देने लगता है। हाँ, यदि संदेह की भावना से देखें तो पूरी दुनिया हमें संदेहास्पद दिखाई देती है, पूरी दुनिया। हम क्या देखना चाहते हैं वो हमारे मन पर डिपेंड करता है। साधु को पूरी दुनिया साधु ही नजर आती है, चोर को पूरी दुनिया चोर ही नजर आती है। ये मन का जैसा रंग हो जाए आंखों पर, दुनिया वैसी दिखाई देने लग जाती है। मन के संदेह से सती ने एक संत को देखा तो संत में भी कमियां दिखाई देने लगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, दूसरों के दोष को देखने से अच्छा है अपने मन को देखो कि कहीं आपके मन में कोई कचरा तो नहीं आ गया। हाँ, कोई गंदगी तो नहीं आई। दूसरों को देखने से अच्छा है अपने मन को देखा जाए। सती ने एक संत पर संदेह किया, ये क्या मुझे कथा सुनाएंगे, अभी से झुक गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और पूरी राम कथा हाथ से निकल गई। सोचो भगवान शंकर जिस महापुरुष के पास राम कथा सुनने आए वो कितना महान होगा। हाँ भाई, राष्ट्र का सर्वोपरि व्यक्ति जिसको सब नमस्कार करते हो, सलाम करते हो, प्रणाम करते हो, अचानक वो किसी को प्रणाम करने लग जाए तो सबसे ज्यादा सम्मान उस व्यक्ति का हुआ जिसको राष्ट्र के सबसे बड़े व्यक्ति ने प्रणाम किया। हाँ, तो भगवान शंकर जिसको आदर दिए, जिनके पास कथा सुनने आए हैं, वो कितने महान होंगे। इतने महान संत की भी सती ने आलोचना कर दी, सती के मन में संदेह हुआ, पूरी राम कथा निकल गई। और बाद में ऐसी घटना है, ऐसी कथा आती है कि भोलेनाथ को ऐसा लगा कि भाई कथा के बाद हमें कुछ देना चाहिए। अरे कुछ ना दो तो कम से कम अपने मधुर वाणी से धन्यवाद तो देना ही चाहिए। हाँ, कि इतनी अच्छी कथा सुनाई, धन्यवाद तो देना ही चाहिए, भगवान के चरणों में जाओ तो कुछ देना चाहिए। भगवान शंकर ने सोचा मैं क्या दूं, बहुत देर तक सोचते रहे कि बाबा को क्या दूं क्या दूं, फिर भी जब न समझ में आया तो भोलेनाथ ने पूछ लिया कि बाबा आपने इतनी प्यारी भगवान की मुझे कथा सुनाई, अब एक कृपा और कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लीजिए। मांगने की बात कही, अगस्त ऋषि की आंख में आंसू आ गए, महाराज मैं क्या मांगू आपसे, भगवान की कथा मैंने गान की, आप जैसे श्रोता को मैंने सुनाया, अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। हाँ, दुनिया को मैंने बहुत कथा सुनाई थी महाराज, आज आपको मैंने कथा सुनाकर अपनी वाणी को पवित्र कर लिया, अपने जीवन को धन्य कर लिया, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। फकीरी में भी मुझको मांगने में
शर्म आती है। किसी सूफी की बहुत प्यारी पंक्तियां, आइए दो मिनट हम जरा इन पंक्तियों को ध्यान से सुन लें। बड़ी प्यारी बात सूफी कहता है कि मैं फकीर हूं, मुझे मांगने का पूरा अधिकार है। फकीर मांगे तो उसमें कोई दोष नहीं है, मांग सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन सूफी कहता है क्या करूं, मैं तेरा हूं ना, और तेरा होकर मैं हाथ कैसे फैला दूं। दुनिया क्या कहेगी उसका होकर हाथ फैलाता है। तुम्हारा हो, तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आई। गुजराती भाषा में शर्म, हूं हाथ ने मारा फैलाऊं, हूं हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी। मुझे पता है कि मैंने यदि हाथ फैला लिया तो तेरी खुदाई दूर नहीं है, तू मुझे देगा ही, ये कंफर्म है। यदि मैंने मांगा तो तू दिए बगैर नहीं रहेगा। लेकिन हूं हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी, पण हूं मांगू अने पछी तू आपे आ बात मने मंजूर न थी। मैंने मांग ही लिया फिर तुमने दिया, ऐसा देना भी किस काम का देना हो। हाँ, मैंने मांग ही लिया फिर देना किस काम का। तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैला या का शेर सुनिए। मेरे टूटे हुए पाए तलप का मुझ पे एहसान है, मेरे पैर टूट गए मुझ पे एहसान हो। बहुत लाजवाब शेर, समझिएगा साहब। मेरा पांव टूटा और तूने एहसान कर दिया। सूफी कहता है भगवान को,
किसी ने उसको पूछा कि भाई पांव टूटा तुझे रोना चाहिए और तू दिवाली मना रहा है। सूफी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां आज मेरे लिए दिवाली जैसा ही है, क्योंकि जब तक पैर सलामत था मैं दुनिया में बहुत भटकता रहा, लेकिन आज ऐसी कृपा हो गई अब तेरे दर से उठकर कहीं जाया नहीं जाता। आज कमाल हो गया। तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। या वसल ही हो जाएगा या मर के उठूंगा। शेर को जरा ठीक से समझना। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। हर दिल नहीं, हां साधारण वाले दिल नहीं, कुछ खास। हर किसी दिल में मोहब्बत नहीं उतरती। हर कोई प्रेमी कहां होता है, कोई ज्ञानी होते हैं, हर कोई मीरा कहां होती है, मीरा तो कोई कोई ही होती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ऐ मोहब्बत के लिए नगमा, ये है वो नगमा।
ये वो नगमा है मोहब्बत। ये है वो नगमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से जहां रहते हैं कोई बता नहीं सकता, हाँ? क्योंकि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। लोग मुझे कहते हैं कि बापू मुझे मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, हाँ? मैं भगवान को देखना चाहता हूं। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं, प्यारे भगवान को ढूंढने से अच्छा है भगवान को प्रार्थना करो कि मालिक मेरी नजरों में ऐसी ताकत आ जाए तुम किसी भी रूप में छुपे हो मुझे दिखाई पड़ने लग जाओ, मेरी नजरों में वो ताकत आ जाए। क्योंकि ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा और परमात्मा कहीं दूर है ऐसा नहीं। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं। बहुत प्यारी बात सूफी की। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं। किस्मत का खेल देखो फिर भी दर्शन को तरसते हैं। हाँ, एक ही बस्ती में हम हैं, कहां जा रहे थे। एक बार किसी शराबी ने बहुत शराब पी, बहुत नशे में, सोचा कि आज लगता है घर नहीं पहुंच पाऊंगा, पांव लड़खड़ा रहे थे, तो अंदाज से मधुशाला से यानी जहां से वो पिया वहां से घर की ओर चला। तो रोज उसकी आदत पड़ गई थी कि इतने दूरी चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ना होता है, फिर थोड़े सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ना होता है। तो ऐसे अंदाज लगाते लगाते अपने घर पर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, सोचा कि अंदर कोई भी होगा तो उसको निवेदन कर लूंगा कि भाई मैं नशे में ज्यादा हूं आज, जरा मेरे घर तक पहुंचा दो। तो घर से उसकी मां अंदर से निकली तो अपनी मां को आज पहली बार उसने चरण छुआ। कहा, बूढ़ी मैया आज मैंने थोड़ी ज्यादा चढ़ा ली है, अब तुझसे क्या छुपाऊं, और मैं अपना घर भूल गया हूं, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो। उस बूढ़ी मां ने कहा, पागल हो गया, अब आज इतनी ज्यादा पी ली अपने घर को भी भूल गया, अरे मैं ही तो तेरी मां हूं। शराबी हंसने लगा कि ले इस बुढ़िया की भी प्रॉब्लम मेरी तरह है, तूने भी पी है क्या। उस बूढ़ी मां ने कहा, लगाऊं तो थप्पड़ भी, क्या बोल रहा। अरे बोले मैंने इतनी भी ज्यादा नहीं पी ली कि अपना घर ही भूल जाऊं। ठीक है, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, मेरी तरह आपका बेटा होगा, आपने मुझे बेटा कहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मां को भूल जाऊं।
उसने कहा बेटे यही तेरा घर है। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर गांव के भी लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग उसको समझा रहे कि मेरे भाई यही तेरा घर है, यही तेरी माँ है। और वो शराबी बार बार बोले जा रहा है मैं कैसे मानूं ये मेरा घर है। इतने में एक दूसरा शराबी आया, उसने देखा भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, बहुत हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, तो कई बोतल उसके पास आया और पूछा क्यों भाई क्या माजरा क्या है। तो शराबी आदमी ने कहा कि देखो बड़े भाई, मैंने इस बूढ़ी मैया को घर क्या पूछ लिया, ये मेरे गले पड़ गई, कह रही है यही मेरा घर है, आप ही निर्णय करिए, यदि मेरा घर ये होता तो क्या मैं पहचानता नहीं। अच्छा आप बताओ, इस गांव के आप नहीं लगते हो मुझे, आप मेरे घर पहुंचा सकते हो। शराबी वो जो दूसरा आया था उसने हंसते हुए कहा अरे तेरा घर है ही नहीं, तेरा घर तो अभी मैं पीछे छोड़कर आया हूं, चल बैठ जा हमारी गाड़ी पर। और गाड़ी पर बिठाया, इधर वाला गेट खोला, सीट पर बैठ गया और वापस घूमकर उसने दूसरी तरफ से दूसरा वाला गेट खोला, कहा महाशय अब आ गया आपका घर, उतर जाओ, और खुश होकर चला गया। और चलते चलते उसने उस शराबी को, दूसरे शराबी को कहा बड़े भाई एक प्रार्थना करूं क्या, बोले फिर कभी इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाना, एक मिनट भी नहीं लगा और मेरा घर आ गया, हम जहां हैं हमारा घर वही है, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, किस्मत का खेल देखो दर्शन को तरसते हैं। हाँ कभी महाकाल, कभी ओंकारेश्वर, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी वृंदावन, प्यारे जहां हो परमात्मा वही है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है होकर फिर हाथ क्या फैलाया। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज मैं क्या मांगू आपसे, और फिर मैं संत हूं महाराज, न मोक्षस्य कांक्षा न बहु विहो वांछा विचनमे न विज्ञानापेक्षा, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए महाराज, क्या मांगू। इसलिए आप रामायण पढ़कर देखना, बार बार कहा मांग लो फिर भी नहीं मांगा तो बाबा तुलसी दूसरा क्रम रखा। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। बार बार मांगा तो नहीं लेकिन भक्ति के विषय में पूछा। भोलेनाथ समझ गए कि महात्मा जी को भक्ति चाहिए।
बार बार पूछना एक प्रकार से मांगना ही है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं मांगा, दूसरी तरह से मांगा। अब जैसे आप किसी के घर जाएं, ड्राइंग रूम में बैठे हों और वहां कोई चीज आपको बड़ी सुंदर लगे और आप बार बार उसकी तारीफ करें, बार बार उसी के विषय में बात करें कि भाई साहब ये चीज बड़ी प्यारी लग रही है। फिर थोड़ी देर में आप कहें मैं भी ऐसा खोज रहा था लेकिन इंदौर में तो मिला नहीं, बाहर से लाए होंगे, है बड़ी प्यारी चीज, मेरी तो कब से कितने सालों से इच्छा थी कि ये चीज खरीदूं लेकिन क्या करूं मिल नहीं रहा है। बार बार यदि एक ही चर्चा आप करेंगे तो वो घर वाला कहेगा कि इतनी अच्छी लग रही है भाई साहब तो इसको तुम ले जाओ, हाँ हम दूसरी ले आएंगे। बार बार पूछा ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई तो कही शंभु अधिकारी, अधिकारी समझकर भोलेनाथ ने भक्ति का दान दिया और कुछ दिन तक भोलेनाथ वहां रहे। देखो भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, परमात्मा भक्ति अंत में देते हैं। रामायण में एक प्रसंग और आप दर्शन करें, जब भगवान केवट की नाव पर बैठकर उस पार चले तो केवट चरण गहा अकुलाई, भगवान के चरणों में केवट गिरा है और बार बार केवट भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहा है, तो भगवान ने उसको उतराई देने लेने के लिए कहा, कहे हु कृपाल लेहु उतराई। केवट सीताजी की मुद्रिका थी, वो मुद्रिका भगवान केवट को देने लगे, कहा केवट ये मुद्रिका ले लो। केवट भगवान को बार बार मना करने लगा कि प्रभु मैं कैसे ले लो, बार बार प्रभु ने कहा केवट ले लो, कहे हु कृपाल लेहु उतराई, और केवट भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि नहीं सरकार मैं कैसे मांग लूं, कैसे ले लूं, मैं गरीब जरूर हूं मालिक लेकिन मैंने अपने वचनों का पालन किया है, अपने वचनों का धनी हूं मैं, मैंने आपको वचन दिया था ननाथ उतराई चाहूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए महाराज। और जब बार बार कहने पर भी केवट ने कुछ न लिया तब भगवान ने चलते चलते केवट को अपने भक्ति का वरदान दिया। मतलब ये हुआ कि जब साधक कुछ भी नहीं मांगता है तब परमात्मा अंत में उसको भक्ति का दान देते हैं। हाँ? भक्ति के मार्ग पर बहुत आकर्षित चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको आकर्षित करेंगे लेकिन साधक को सावधान होना चाहिए, वहां फंस नहीं जाना चाहिए। कभी धन में, कभी संपदा में, कभी यश में, कभी नाम में, कभी प्रतिष्ठा में, उसमें फंस नहीं जाना चाहिए, वरना इसमें फंस गए तो भक्ति का मार्ग आप चूक जाओगे। इसलिए जिसको भक्ति चाहिए उसको बहुत धैर्य रखना चाहिए, अंत में भक्ति का वरदान। यहां भोलेनाथ ने कही शंभु अधिकारी पाई, भक्ति का वरदान दिया। कुछ दिन तक भोलेनाथ रुके, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। और एक दिन भोलेनाथ को ऐसा लगा बहुत दिन हो गया यहां रुकते रुकते, अब मुझे चलना चाहिए, बाबा संत हैं, हो सकता है हमारे रुकने से एक संत की साधना में कोई विक्षेप हो रहा हो सकता है शायद मुझे प्रेम वश कह न पा रहे हों, अब मुझे चलना चाहिए। देखो महापुरुषों के पास आप जाएं अच्छी बात है लेकिन कार्य हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, फिर हमको वहां से निकल जाना चाहिए। बाबा संत हैं, हो सकता है हमारे रहने से एक संत की साधना में कोई विक्षेप हो रहा हो सकता है शायद मुझे प्रेम वश कह न पा रहे हों, अब मुझे चलना चाहिए। देखो महापुरुषों के पास आप जाएं अच्छी बात है लेकिन कार्य हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, फिर हमको वहां से निकल जाना चाहिए। बहुत देर तक बैठ करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं आएंगे तो चिपक ही जाते हैं,
हेवी कोल का ऐसा जोड़ बन जाता है, उठाना मुश्किल हो जाता है। इतने कई बार लोग करीबी होते हैं तो उनको मना भी नहीं किया जा सकता है कि भाई अब जाओ, कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन इशारे को भी नहीं समझते हैं। इधर उधर की बातें, व्यर्थ की बातें नहीं, किसी महापुरुष के पास बहुत ज्यादा देर नहीं। हो सकता है उसकी अपनी दिनचर्या होती है, हम संसारियों की अपनी दिनचर्या है, महापुरुषों की अपनी दिनचर्या होती है। तो भोलेनाथ एक दिन विदाई लिए और विदा लेकर बाबा चलने की तैयारी में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। संगीत का बहुत प्यारा राग बागेश्वरी। सनी दानी सामा गमदानी मारे गमदानी सारे नी सानी धा मारे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन पीछे भगवती सती। लेकिन बाबा तुलसी ने बड़ी सावधानी पूर्वक सती का सम्मान कम कर दिया। आप ध्यान दें, जब सती आ रही थी तो बाबा तुलसी ने बड़ा सम्मान दिया था, बड़ा आदर दिया, लेकिन यहां कथा का तिरस्कार किया। भगवान की कथा में बैठकर व्यर्थ की बातें करना या इधर उधर की बातें सोचना ये कथा का अपमान करना। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, कथा में बहुत होश पूर्वक सावधानी से बैठे। बाबा तुलसी ने कहा, नहीं अब तो ये जगत की माता नहीं, दक्ष सुता जा रही है, दक्ष की बेटी जा रही है। दक्ष का मतलब है बुद्धिमान, चतुर, एक चतुर बाप की बेटी है, बुद्धि वाले बाप की बेटी है, क्योंकि एक संत की सरलता पर भी इसने बुद्धि लगाई ना। आगे आगे भगवान शंकर, पीछे दक्ष सुता, और चलते 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 भोलेनाथ को प्रभु की याद आने लगी। भगवान की याद में भोलेनाथ खो गए। देखो मेरे भाई बहन, जब आप तन्मय होकर भगवान की कथा सुनेंगे ना, तो ऐसी घटना आपके जीवन में भी घटेगी। इतने भाव से सुनो कि सुनते 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 प्रभु की याद आने लग जाए और वो लालसा इतनी तीव्र हो जाए उनसे मिलने की कि परमात्मा को मजबूर होकर तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़े, दर्शन देना पड़े। भोलेनाथ के मन में ऐसी कामना आने लगी कि मालिक, इतनी प्यारी कथा मुझे आपकी मिली, एक झलक और दिखा देते प्रभु। मंत्रित हो जाता। जैसे ही भोलेनाथ ने इच्छा की, तत्क्षण परमात्मा प्रकट हो गए।
उसी क्षण बाबा तुलसी कहते हैं वो त्रेता का युग था, चतुर्थ चरण है त्रेता का, परमात्मा का अवतार धरती पर हो चुका था। और उसी दंडक वन में भगवान राम वनवास के समय सीता के वियोग में रोते हुए दार है। तेही अवसर भंजन महिमा समय भगवान धरती पर अवतरित हो गए हैं। और दूर से भोलेनाथ ने भगवान का दर्शन किया और भोलेनाथ समझ गए कि भगवान को इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान इस वक्त अभिनय कर रहे हैं और कोई अभिनेता मंच पर जब अभिनय कर रहा हो तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए, भले ही आप उसके फ्रेंड हो मित्र हो, दूर से केवल दर्शन करो। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा इस वक्त मालिक हमारे अभिनय में है, भगवान भी तो अभिनेता ही तो है। हाँ, किसी ने मुझे पूछा कि भगवान तो डायरेक्टर है ना, फिर वो अभिनेता कैसे हुए? अरे भाई, कभी कभी डायरेक्टर्स में एक्टिंग करके एक्टर को दिखाता है कि देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे तुम्हें भी करना है। तो परमात्मा ने भी जो सारी दुनिया को डायरेक्शन देते हैं, वो ईश्वर स्वयं अभिनेता बनकर हम मानवों के लिए धरती पर आए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्यारे जैसे मैं अभिनय कर रहा हूं ऐसे तुम भी जीवन जी लो, मुक्त हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। अभिनय कर रहे हैं प्रभु। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे मृगा, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता भी तेरी तरह मृग नहीं थी। रो रहे हैं प्रभु। हे लता, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता भी तेरी तरह सुकोमल थी। अरे कोयल, क्या तूने सीता को देखा है? मेरी सीता भी तेरी तरह पिक बहनी थी। कहां गई मेरी सीता? रो रहे हैं प्रभु। एक साधारण मानव की तरह अभिनय करते जा रहे हैं। और भोलेनाथ ने दूर से देखा, आंख में अश्रु आ गए, वाह मेरे मालिक। लेकिन दूर से ही भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि प्रणाम किया बोले चले मनोज सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद कहकर भोलेनाथ ने दूर से भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके चलने लगे। ये घटना जब सती ने देखा, सती को फिर से संशय हो गया, लो अब इनको क्या हो गया? सारी दुनिया जिनको प्रणाम करती है वो इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। और चलो प्रणाम कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कहकर, यदि ये भगवान हैं तो क्या इनको पता नहीं मेरी पत्नी कहां है? ये पत्तों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। सती के मन में फिर से गड़बड़ हुई और सती संशय युक्त हुई।
दोनों ने भगवान का दर्शन किया और दोनों के दर्शन में कितना भेद रहा। हाँ देखो, मैंने कहा था ना कि हम जैसी दृष्टि से देखना चाहते हैं दुनिया को, दुनिया वैसे ही दिखाई देती। न शासन बुरा है न जमाना बुरा है। किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा, न शासन बुरा है न ये जमाना बुरा है, बुरा भाव मन में बसाना बुरा है। न शासन बुरा है न जमाना बुरा है। तुम्हारा मन कभी कभी गंदा हो जाता है, इसलिए दुनिया भी तुम्हें गंदी ही दिखाई देती। ज्यादातर मामलों में हमारे मन का दोष होता है, ज्यादातर। हम पूर्ण नहीं कह रहा हूं, 100% नहीं, ज्यादातर मामलों में हमारे मन का दोष होता है। सती के मन में संशय, इसलिए भगवान पर भी उसने संदेह कर लिया। ये ईश्वर होंगे? जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है वो भगवान हो सकता है? परमात्मा सामने खड़े हैं फिर भी सती संशयुक्त हुई। कई बार हमारे सामने परमात्मा खड़े होते हैं लेकिन हमारी भी आंखों में ऐसी गंदगी आ जाती है कि सामने होते हुए भी परमात्मा हमको दिखाई नहीं देते हैं। परमात्मा भी उसी को दिखाई देते हैं मेरे भाई बहन, जिसको वो स्वयं दिखना चाहते हैं। हाँ, वाल्मीकि ऋषि ने भगवान को कहा ना, सोई जानई जेहि देहु जनाई, आपको वही जान सकता है मालिक जिसको आप स्वयं चाहते हैं। वरना महाभारत के कितने ही पात्र भगवान कृष्ण के करीब रहे, कोई जान न पाया, सिर्फ अर्जुन जान पाया, क्योंकि ददाम दिव्यम ते चक्षु, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को उस भाव से नहीं पहचाना जिस भाव से अर्जुन ने पहचाना। कारण क्या है? परमात्मा ने अर्जुन को चाहा कि चलो तुम मुझे जान लो, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जान लिया। भोलेनाथ ने पहचान लिया, सती बीमार हो गई, संशय हुआ, और फिर भोलेनाथ ने बार बार समझाया, हर तरह से समझाया कि देवी ये ईश्वर ही हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जही ध्यावही। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं देवी, ये वही तो है। ए मुनि धीर जोगी सीध संत बिमल मन जही ध्यावही। मुनि धीर धरती पर आए हैं देवी, पहचानो। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधनी, निकायपति मायाधनी, अवतरे तरह से समझाया, देवी ये ईश्वर है, यही परमात्मा है। पितामह स जगतो माता धाता पितामह,
वेदम पवित्र ओंकार ऋग साम यजुर एव च, चारों वेदों में जो इस परमात्मा का वर्णन है ओंकार रूप में, ये वही परमात्मा है। हर तरह से समझाया लेकिन लागिन उरुपदेश जदपि कही शिव बार बहु। कभी कभी इंसान इतना जिद कर लेता है, सोचो भगवान शंकर को भी मौन हो जाना पड़ा। यहां पर भाई लोगों के लिए शिक्षा है, भगवान शंकर को देखो। कभी कभी आप भी बहुत परेशान होते हैं ना, कई लोग तो मुझे शिकायत भी करते, बापू कोई ऐसा मंत्र हो कि घर वाली मेरी हर बात मान ले। ये इस प्रसंग से शिक्षा लो क्या करना चाहिए। भाई लोगों को ये प्रसंग ध्यान से सुनना चाहिए। जो भगवान शिव ने किया, बार बार समझाने पर भी सती नहीं मानी तो भोलेनाथ को लगा होई है सोई जो राम रचि राखा, अब तो वही होगा जो प्रभु चाहेंगे, इसलिए मौन हो जाना ही ठीक है। समझ गए ना। तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको आप समझा नहीं सकते, पत्नी परिवार पड़ोसी, इन तीनों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। भाई लोग बड़े परेशान होते हैं कि समझा लो, अरे भगवान शिव हार गए प्यारे तो तुम कौन हो, भगवान शंकर को भी हारना पड़ा। हाँ, एक भाई की नई नई शादी हुई तो पहली बार घरवाली ने भोजन बनाया और बहुत दिन के बाद बनाया था उसने, तो शायद कढ़ी थोड़ी बिगड़ गई, ज्यादा पतली हो गई। दोपहर के समय दुकान से वो भोजन करने घर आया तो उसको लगा कि शायद माँ ने बनाया होगा, तो अपनी माँ के ऊपर बहुत नाराज, इतने साल हो गए भोजन बनाते बनाते बूढ़ी हो गई, ऐसी कढ़ी बनाई है इतनी पतली। उसकी मां ने कहा मुझे क्यों चिल्ला रहा है, तेरी घरवाली से पूछ। तो जब घरवाली की बात आई, सामने घरवाली भी खड़ी थी, अब उसको देखते ही मौन चुप, फिर शब्द नहीं निकला। धीरे से चम्मच उठाया और मुंह में रखा और धीरे से कहा मां पतली जरूर है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है, बहुत स्वाद, थोड़ी पतली हो गई है। भगवान शिव को भी हारना पड़ा प्यारे, हां मौन हो गए शिव जी। बार बार समझाया, हर तरह से समझाया और अंत में भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी एक काम करना तू खुद ही परीक्षा ले ले। और सती बड़ी खुश हुई कि हां अभी परीक्षा लेती हूं महाराज। और फिर ऐसी कथा है कि सीता का वेश बनाकर गई, भगवान राम पहचान गए और सती को अपना विराट रूप दिखाया, मानो कई रूप दिखाया सती को, सती घबरा गई और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब सती को पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, भगवान के पास भोलेनाथ के पास चली, लेकिन अब पश्चाताप से भरी हुई। यानी सती को भी पश्चाताप तब हुआ जब गलती कर बैठी। इसलिए मानस के आधार पर मैं आपको प्रार्थना करूं प्यारे, कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार विचार कर लेना, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार किए कदम बढ़ाओगे प्यारे तो बाद में तुम्हें रोना ही पड़ेगा, इसलिए सावधान। सती अब पश्चाताप कर रही हैं कि मैं भोलेनाथ के पास जा तो रही हूं लेकिन कहीं भोलेनाथ ने मेरे से पूछ लिया कि तूने कैसे परीक्षा ली थी, क्या उत्तर दूंगा। और भोलेनाथ ने तो पूछ ही लिया, कहा देवी सत्य बताओ, अरे जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाया, बड़े बड़े महात्मा लोगों की हिम्मत नहीं होती, आज जगत के मालिक की परीक्षा तुम लेने पहुंच गई, कैसे लिया परीक्षा। तो जल्दी जल्दी में घबराकर सती ने झूठ बोल दिया और एक नहीं दो झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा
प्रणाम तुम्हारी ही नाई तेरा प्रणाम तुम्हारी नाई। एक नहीं दो झूठ बोला महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैंने तो केवल आपकी तरह दूर से आपने प्रणाम किया ना, तो मैंने आपकी तरह जाकर पांव छुआ। किन प्रणाम तुम्हारी नाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं, भोलेनाथ को भरोसा न हुआ कि कोई परीक्षा नहीं। अरे इतना मैंने समझाया फिर भी मानी नहीं, जिद करके बैठ गई और कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने आंख बंद किया, ध्यान किया और ध्यान करते ही भोलेनाथ को सब पता चल गया। सती लीन सीता कर बेशा, सोचो अब बाबा के दिल पर क्या बीती होगी। हाँ, बड़ा प्रहार हो गया भोलेनाथ के दिल पर, एक धक्का लगा कि इतना बड़ा झूठ। सीता का वेश बनाकर गई, भगवान की परीक्षा ली और मुझसे कह रही है मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भोलेनाथ के दिल पर चोट लगी और भोलेनाथ ने सती को बताया नहीं, संकल्प कर लिया कि जाओ सती, अब यही तन सती ही भेंट मोहिना है। अब तुम्हारा ये तन जब तक है, क्योंकि तुम इस तन को सीता का वेश बनाकर प्रभु के पास गई, मेरी मां का रूप लेकर गई और प्रभु ने इस तन को अपनी पत्नी के वेश में देख लिया, अब यदि मैं उसको भी अपनी पत्नी की वेश में देखूं यह तो अधर्म होगा, यह तो अनिति हो जाएगी। इसलिए शिव संकल्प कीन मन माही। सती ने यहां गलत किया और इसलिए मानस के आधार पर मैं आपको प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, कई कई बार हमारे आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा लगता है कि फिर अब अपने को झूठ ही बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना कुछ जगहों पर पाप नहीं है, यदि आपके झूठ बोलने से किसी गरीब बहन की शादी हो जा रही हो तो शास्त्र में कहा गया है वहां एक झूठ आपका चल सकता है, उसमें दोष नहीं। यदि आपके झूठ बोल देने से किसी निर्दोष को फांसी की सजा लगने जा रही है और आपके झूठ बोल देने से वो बच रहा हो तो फिर उसको बचा लेना चाहिए, वहां झूठ का दोष नहीं। सब कुछ हमारा लूट रहा हो और आपके एक झूठ बोल देने से सब बच रहा हो या कुछ अंश बच रहा हो तब भी वहां भी झूठ बोल दो, दोष नहीं है। किसी गौ की हत्या हो रही हो और आपके झूठ बोल देने से गौ हत्या न हो, बंद हो जाए, तो वहां भी झूठ बोल दो, मनाही नहीं। लेकिन साधारण अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलना ये तो अपराध, ये तो दोष है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए मेरे भाई बहन, व्यर्थ की बातों में झूठ मत बोलो। हम कितने बार झूठ बोलते रहते हैं, दिन भर में कितनी बार हम, आपको भी जरा सोचना, हम कभी भी अपने दिन भर की दिनचर्या को सोचते नहीं है, इसलिए हम रोज नए 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 पाप करते चले जाते हैं। आप कभी रात्रि जब सोने के लिए जाएं तो दिन भर के कार्यों को जरा फिर से एक बार रिवाइज करें, उसको रिवर्स करके पीछे जाकर जरा देखें कि आज दिन भर में हमने कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, परसेंटेज को देखना और फिर अपने जीवन भर के परसेंटेज को निकालना, आपने कितना अच्छा जीवन जिया और कितना बुरा जीवन दिया। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है मेरे भाई बहन, वहां मौन हो जाओ,
यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम सत्य नहीं बोलेंगे, कोई बात, मौन हो जाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं एक सच बोल देने से यदि झंझट छूट रही हो तो उसको झंझट को छोड़ा ही लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक झूठ बोलते हैं ना तो 10 झूठ और बोलना पड़ता है एक झूठ के कारण। आप अनुभव कर रहे होंगे, आप एक भूल कर लीजिए ना तो उसके साथ 10 झूठ और बोलना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, कितनी बार हमको बोलना पड़ता है। 10 पाप करने से अच्छा है एक बार सच बोल दो, कह दो कि हां भूल हुई। हां, और कौन भूल नहीं किया साहब, शरी के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं। कौन ऐसा है जिससे गलतियां नहीं हुई, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। कोई ऐसा कहे कि मैंने जन्म से लेकर अभी तक कोई गलती नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता, हर किसी से भूल हुई है। फर्क इतना है कि किसी की भूल प्रकट हो गई और किसी की छुपी हुई है। हाँ, एक फकीर की ने बहुत प्यारी बात कही कि दीवाने सब उसके हैं मगर फर्क है इतना, दीवाने सब उसके हैं मगर फर्क है इतना, बदनाम है कोई और कोई बदनाम नहीं है, बस इतना ही अंतर है। बाकी दीवाने सब, कौन ऐसा है जिससे शरी के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं, किसका इंसाफ अब किससे कराया जाए, या तो इंसान को इंसान बनाया जाए या अब और कोई नया भगवान बनाया जाए। शरी के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं, सभी से भूल हुई है। हां, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, अक्सर मैं गीत गुनगुनाता हूं, आइए दो पंक्तियां। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, जिसे देखिए वो लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए पंक्ति, नशे में जमाना जमाने में हम भी, इसलिए अब हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा है, नशे में जमाना जमाने में हम
तालियां बजाते हुए सब आनंद लेंगे। हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या दीवाने ठहरे, दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, हमारी मस्ती को देखकर तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, क्या तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, वृंदावन
सभी मस्त हैं, कौन किस सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए वो सब लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना, जमाने में हम, नशे में मेरे कहने का मतलब साहब सिर्फ इतना, भूल हो जाए तो ये बुरी बात नहीं है, भूल सबसे हो जाती है, लेकिन भूल को छुपा लेना ये बुरी बात है। इसलिए भूल को छुपाओ, प्रभु के सामने कबूल कर लो। हमारे संतों को देखो, सूरदास जी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, हे मालिक तुम्हें सब पता है मैं कितना बुरा हूं, तू जानता है। कम से कम परमात्मा के सामने तो कबूल कर ही लेना चाहिए। कई लोग भगवान के सामने भी इतनी चालाकी करते हैं। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का भगवान कृष्ण के मंदिर में गया है और कहा, प्रभु बांके बिहारी मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मांगता ही नहीं तुमसे, लेकिन हां मैंने सुना है कि तुम देते जरूर हो, तो तुम्हें देना है ना, तो मेरी मां को एक बहू दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। परमात्मा के सामने तो कम से कम प्यारे ओपन रहो, वहां छुपाओ मत अपने आप। परमात्मा के सामने दिल खुला होना चाहिए, अपनी गलती को भी परमात्मा के सामने छुपाओ मत। सती ने भूल किया, बुरी बात नहीं, लेकिन छुपा लिया, ये सती ने गलत किया, इसलिए शिव जी ने सती का त्याग किया और देवताओं ने जय जयकार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पुष्प की बारिश करने लगे, जय हो भोलेनाथ। आपके समान धर्म रक्षक कौन हो सकता है, क्या मतलब? बोले जिन्होंने अपने धर्म के खातिर पत्नी का भी परित्याग कर दिया हो, ऐसा कौन होगा आपके समान। लेकिन यह बात सती को समझ में न आई, इसलिए सती पूछने लगी, महाराज आपने कोई संकल्प लिया क्या? क्योंकि शिव जी ने संकल्प मन में किया था, और ध्यान देना संकल्प मन में ही होता है। मन में संकल्प यदि आप नहीं रखे, संकल्प को छुपाए नहीं, तो वो संकल्प चरितार्थ नहीं हो पाता है। इसलिए कोई संकल्प ऐसा करना है ना, तो मन में करो। कई लोग ऐसा होता है कि नवरात्रि व्रत का संकल्प लेते हैं कि अब की बार 9 दिन व्रत रहना है, और पूरे मोहल्ले को पता है कि अब की बार ये नवरात्रि व्रत रहने वाला, सारा मोहल्ला जान जाता है, हमारा संकल्प छुप नहीं पाता है। संकल्प मन में करो, और अक्सर ऐसा होता है कि पहले दिन ही व्रत टूट जाता है। किसी पड़ोसी के घर गए और रह नहीं पाते बताए बगैर, अरे भाई मैंने सोचा कि अब 9 दिन तो आ नहीं पाएंगे, जरा आज हो लेता हूं। अच्छा क्यों भाई 9 दिन क्यों नहीं? अरे मैंने बताया था ना 9 दिन व्रत रहने वाला हूं। अरे क्या व्रत, मित्र के यहां भी व्रत, मेरे प्रेम में तो तुमको ये थोड़ा कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बार बार जिद किया तो व्रत टूटा, कुछ नहीं तो एक पकौड़ी तो खाना पड़ेगा। इंदौर वाले वैसे भी बड़े खाने के प्रेमी, मुझे कल जगदीश जी बता रहे थे कि रात्रि 3 बजे तक यहां किसी बाजार में कुछ वो चटर पटर खाने का चलता रहता है,
कोई मार्केट भी बताए थे मुझे याद नहीं। हाँ शराफा। तीन बजे रात तक। अब ये सराफा में तीन बजे जाने वाले कैसे बिचारे व्रत रह पाएंगे? हाँ नौ दिन, उनको तो फिर सपने में भी पकोड़े दिखाई देंगे। व्रत करो तो मन में करो प्यारे, शिव संकल्प कीन मन माही। और इसलिए भोलेनाथ ने सती को बताया नहीं, और मार्ग में सती पूछ पाए ऐसा रखा भी नहीं। भोलेनाथ ने कथा का वर्णन शुरू कर दिया और कथा की बातें करते करते, पौराणिक चर्चाएं करते करते शिव जी पहुंचे कैलाश। बारनाथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ इतिहास पुराणों का वर्णन करते हुए कैलाश पहुंचे हैं भोलेनाथ। और यहां आते ही भोलेनाथ ने सोचा कि सती मुझे फिर परेशान करे उसके पहले समाधिस्थ हो जाता हूं। और बाबा तुलसी कहते हैं एक क्षण भी विलंब नहीं लगाया। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज लागी समाधि अखंड पाता, लागी समाधि अखंड पाता, लागी समाधि अखंड पाता, लागी समाधि अखंड पाता, लागी समाधि हुए। पद्मासन से बैठे ध्यान किया श्री हरि का और समाधिस्थ हो गए बाबा। सती को बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, पूछने का मौका ही ना दिया। सती पूछती उसके पहले भोलेनाथ कुछ न कुछ व्याख्यान करने लग जाते। यानी देखो शिव जी ने बोलकर नहीं बताया, लेकिन शिव जी ने व्यवहार से बता दिया। जिस सत्य को बोलने से सामने वाला दुखी होता हो, हर्ट होता हो, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और हमारी नाराजगी वो तो हमारे व्यवहार से पता लग जाती है, फिर बताने की आवश्यकता नहीं। जब भी बोलो, सत्य भी बोलना हो प्यारे, तो प्रिय बोलना। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। गुजरात की एक बड़ी प्यारी घटना, गिरनार क्षेत्र की, सौराष्ट्र की, एक बड़े अच्छे महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि बाबा जो भी कह देते थे बिल्कुल सत्य हो जाता था। तो मैंने सुना है ऐसा कि उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा एक महीने पहले कर दी, एक महीने के बाद इतने तारीख को ठीक इतने बजे मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। और बाबा की आज तक कोई भी बात झूठ न हुई थी, इसलिए सारे देश से लोग, शिष्य और भक्त लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंच गए, और बताए हुए समय पर ठीक उतना बजा और महात्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, महात्मा जी की मृत्यु हो गई। तो सारे भक्तों और शिष्यों के समूह ने ऐसा विचार किया, निर्णय लिया गया कि इतने महान संत थे हमारे गुरुदेव,
तो अंतिम यात्रा हम इनको बहुत धूमधाम से लेकर चलेंगे। तो बड़े तैयारियों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकली। तो एक गांव के बगल से यात्रा गुजर रही थी और उस गांव में किसी बहन की शादी थी। और जैसे ही महात्मा की वो शव यात्रा वहां पहुंची है, उसी वक्त वो बहन विदा होकर डोली में बैठने जा रही थी। तो लड़के की मां ने, उस कन्या की मां ने महात्मा की उस यात्रा को देखा, तो उसके मन में ऐसी बात आ गई। उसने कहा, लो ये महात्मा को आज ही मरना था, मेरी बेटी डोली में बैठने जा रही है और ये मेरी बेटी के लिए अपशगुन हो गया। इतना कहा और कहते हैं वो महात्मा अर्थी के ऊपर बैठ गए, कहा मुझे वापस ले चलो, मुझे आज नहीं मरना, मैं मरने के बाद भी किसी के लिए अपशगुन नहीं होना चाहता। जीवन भर यदि मैंने सबको दुआएं दी हैं तो मरने के बाद भी मैं दुआ ही देना चाहता हूं, किसी के लिए अपशगुन नहीं बनना चाहता। हमारी जिंदगी ऐसी हो प्यारे, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो। जोत से जोत जलाते चलो, इतना निवेदन आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, आपके वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा सत्य भी मत बोलो जिस सत्य से सामने वाले को ठेस पहुंचे। लोग कहते हैं महाराज सत्य तो कड़वा ही होता है, हाँ लोगों की अपनी थिंकिंग है। यदि सत्य कड़वा है प्यारे, तो उस कड़वे सत्य को बोलने की मनाही भी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य को बोलने की मनाही है। कड़वा सत्य नहीं बोलो, जब भी बोलना हो प्रिय सत्य। बाबा तुलसी भी मानस में कहते हैं, कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलो उसमें भी विचार कर और प्रिय होना चाहिए। भोलेनाथ ने सती को बताया नहीं, लेकिन सती को पता चल गया व्यवहार से,
और सती को बहुत पश्चाताप हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बड़ी ग्लानि से भरी है सती, मैंने क्यों ऐसा अपराध कर दिया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने का क्या अर्थ है, भूल हो ही गई है फिर रोने का क्या अर्थ, फिर पश्चाताप करने का क्या अर्थ। लेकिन यहां पर एक बात में बाबा तुलसी ने जो इशारा किया है, दूध और पानी के प्रेम के विषय में, पति पत्नी का प्रेम और दूध पानी का प्रेम एक जैसा है। जिस कन्या की शादी पुरुष के साथ हो जाए या उसके साथ ब्याह कर दिए जाए, तो गृहस्थ में प्रवेश करते ही वह कन्या वहां ऐसी मिक्स हो जाती है उस परिवार में कि अपने घर बार सबको भूल जाती है, और उसका वही घर हो जाता है, पति में ही सबका रूप देखती है, वो हर प्रेम उसको वहीं से प्राप्त होता है, बड़ा गहरा प्रेम होता है, और पति भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेता है, अपना कर्तव्य समझ लेता है, और जैसे दूध पानी को अपना रंग दे देता है, अपनी खुशबू दे देता है, अपना सारा गुण दे देता है, और यही नहीं अपनी ही कीमत में पानी को भी दूध बिकवा देता है, कितना गहरा प्रेम है। लेकिन उस पानी मिले हुए दूध में कभी भूल से यदि कोई खटाई पड़ जाए तो तुरंत दूध फट जाता है। ऐसा नाजुक संबंध पति पत्नी का है, इसलिए मैं सबको प्रार्थना करूं इस संबंध को बहुत विश्वास से भरोसे से भरे रहना, कभी भी दाम्पत्य जीवन में कपट नहीं आना चाहिए, ये कपट ही खटाई है, कपट की खटाई आते ही दाम्पत्य जीवन में दरारें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करूं और जो चैनल पर सुनने वाले हैं मैं उनको भी प्रार्थना कर रहा हूं, आज हमारे भारत वर्ष में दाम्पत्य जीवन बहुत टूट रहा है, बिखर रहा है, ये पूरे देश की समस्या है। एक तो बहुत जल्दबाजी में ब्याह कर लेते हैं और जब समझदारी आती है तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता है, फिर रिश्ता ढोते फिरते हैं, फिर वहां प्रेम नहीं होता है, उस रिश्ते में आनंद नहीं होता है, अहोभाव नहीं होता है, फिर वो रिश्ता ढोया जाता है। ऐसा ढोने वाला रिश्ता कब तक ढोओगे? हाँ, फिर तो प्रेम का एक नाटक होता है, फिर दिखावा होता है। इसलिए पहली बात तो मैं खासकर राष्ट्र के युवान भाई बहनों को संबोधित कर रहा हूं कि जल्दबाजी में ब्याह जैसा फैसला कभी मत करो। और एक बात में और मैं भाई बहनों को कहना चाहूं, उम्र के अनुसार ही मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, मैं ये बात अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि लगभग छोटी उम्र में मैंने राम कथा गायन शुरू कर दिया था। आप लोगों को भी पता है, इंदौर जब पहली बार आया था तो बड़े बड़े बाल और कई लोग तो मुझे लड़की लड़की कह दे रहे, ये लगता कोई लड़की आई है। अहमदाबाद में तो एक बार झगड़े हो गए, कहीं मैं बाजार में गया तो दो लोग लड़ पड़े, एक ने कहा लड़का है, दूसरे ने कहा ना लड़की, और दोनों में धड़ाम धड़ुम होने लगा। फिर एक उसमें से आया कि महाराज आप ही बता दो आप क्या हैं। मैंने कहा तुम पहले और लड़ लो फिर बताऊं। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने कथा शुरू कर दी। तो अब मुझे अनुभव हो रहा है कि कई बातें ऐसी थी, मैं बोल जरूर देता था कहीं से सुनकर या पढ़कर, लेकिन अनुभव में नहीं उतरती थी।
लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ी और अब मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरा खुद अपना हुआ, अपना सोचा हुआ ज्ञान। एक उम्र के बाद समझदारी आती है, एक उम्र के बाद फिर अपने को प्रयास नहीं करना पड़ता, मैच्योरिटी भीतर से आती है। ये बात मैं उन जवान भाई बहनों को कह रहा हूं जो लोग बहुत जल्दबाजी में कोई फैसले कर लेते हैं या किसी फैसले के अंत पर खड़े हो जाते हैं। मैं उन राष्ट्र के जवान भाई बहनों को कह रहा हूं कि कृपया हमसे, जो हमारे माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया या हमारे घर के बड़ी बुजुर्ग, जितनी ज्यादा उम्र है ना उतना संसार का अनुभव उनका ज्यादा है। इसलिए माता पिता परिवार के जन कभी भी बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं भेजेंगे। समझदारी हमको दिखानी चाहिए, हाँ बहुत समझदारी से काम लो। जल्दबाजी में कोई फैसला कभी मत करो, वरना जल्दबाजी में फैसला करोगे तो बाद में वो रिश्ते को आनंद के साथ नहीं निभा पाओगे, फिर वो रिश्ते को डोना पड़ता है। और आज इसी कारण हमारे देश में विवाह जैसी व्यवस्था भी चरमरा रही है, हाँ टूट रही है। बात बात में तलाक तक बात पहुंच जाती है। पति ने घरवाली को कुछ कहा, बस आगे बोलना मत वरना तलाक। हाँ आदमी लोग भी बेचारे घबराए हुए हैं कि कब ये तलाक की बात कह दे, क्या भरोसा। स्वामी विवेकानंद पहली बार जब अमेरिका गए तो प्रवचन के बाद वो कहीं घूमने निकले, पैदल जा रहे थे, अकेले ही थे तो देखा कि एक बहन वहां की गोरी स्त्री एक कब्र के पास बैठी है और उसको पंखे से हवा दे रही है। स्वामी विवेकानंद की आंख में भाव के अश्रु आ गया, क्या विदेश की नारी, ऐसा पतिव्रत। हमारे भारत की स्त्रियां तो कम से कम पतिव्रता जब होती हैं तो केवल घर तक, पति की मृत्यु हो गई उसके बाद फिर वो भूल जाती हैं धीरे धीरे। लेकिन कमाल का यहां पति प्रेम है, मर जाने के बाद भी पति को गर्मी ना लगे इसलिए कब्र पर हवा दी जा रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने जाकर उस बहन के पांव छू लिए कि बहन धन्य हो गया मैं, पहली बार मैं अमेरिका में ऐसा देख रहा हूं। उसने कहा स्वामी जी ये मुझे कोई पति से प्रेम नहीं है, तो आप ये पंखा क्यों झल रही हो। उसने कहा हमारे धर्म में ऐसा नियम है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं जरा सुखा रही हूं, अब धूप में न जाने कितने दिन लगेंगे इसलिए मैं जरा पंखा झलकर। जल्दबाजी में फैसले ऐसे होते हैं, हाँ इसलिए मेरे भाई बहन प्रार्थना करो, प्रेम का जो संबंध है बहुत नाजुक होता है। रही मन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम के धागा को कभी तोड़ो बहुत संभालना, बड़ी मुश्किल से प्रेम हो पाता है और प्रेम हो जाए प्यारे तो उसको संभालना। हाँ कपट की खटाई दाम्पत्य जीवन में नहीं आनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको आपस में कलह ना हो, झगड़े ना हो, तो मैं प्रार्थना करूं मन में विश्वास को जगाओ। पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, हाँ। और मैं माताओं को भी प्रार्थना करूं कि ऑफिस से घर आने में थोड़ी देर हो जाए ना तो चाय बनाकर ही बैठा करो, बनकर मत बैठा करो, हाँ। कई कई माताएं तो चाय बनकर बैठी होती हैं। दाम्पत्य जीवन में कपट नहीं होना चाहिए,
भरोसा विश्वास होना चाहिए। यहां शिव जी ने सती का त्याग कर दिया सती के खुद अपने कपट के कारण, और 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधिस्त रहे। बीते संबत सहस 87,000 वर्ष तक, बीते संबत सहस 87, अब तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम जगत पति जागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, सती जगत पति जागे, जगत पति जागे, जगत पति जागे। 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि छूटी, अब जगे। राम राम का जब उच्चारण हुआ तब बाबा तुलसी की कलम चलती है कि भोलेनाथ अब जगे हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी सोए थे क्या? नहीं, बाबा तुलसी ने इशारा किया कि दुनिया में वही व्यक्ति जगा है जिसके जुबां पर राम नाम रहता है, वही व्यक्ति दुनिया में जगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास बिरागा। जुबा पर हरि नाम आ जाए तब तुम जगे हो, बोले ना तब जगे। राम राम उच्चारण किया, सती को पता लग गया। और देखो बाबा तुलसी की कलम कितनी सावधान है, जाने वो सती जगत पति जागे। मेरे पति नहीं, अब तो जगत के पति हैं, क्योंकि मेरा तो त्याग हुआ है। और इसलिए सती जाकर शिव जी के चरणों में वंदन करती है, प्रणाम करने आई। और शिव जी ने आज पहली बार बाईं तरफ आसन नहीं दिया, सन्मुख शंकर आसन दिया। सामने आसन पाते ही सती विलाप करने लगी, आंख में अश्रुधार बह पड़ी। पहली बार आज शिव ने स्पष्ट रूप में अपना त्याग दिखाया, क्योंकि आज के पहले सती कभी भी शिव के पास आई है ना, तो या तो शिव जी बाईं तरफ उसको आसन देते थे और या तो गोद में बिठाते थे। यस्यां केच विभाति भूधर सुता, या तो अंक में या वामांग में। पहली बार शिव जी ने सन्मुख कर दिया, सती के दिल पर प्रहार हो गया, चोट लगी, रोने लगी सती, बहुत दुखी हो गई। और दुखी होना भी था शिव जी का यह व्यवहार देखकर, क्योंकि सामने आसन तो मां का होता है, बाईं तरफ पत्नी का आसन होता है। सती की आंख में अश्रु देखकर, आखिर भोलेनाथ तो भोलेनाथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भोलेनाथ, अच्छा नहीं लगा। तो सती की प्रसन्नता के लिए भोलेनाथ ने एक बहुत प्यारा उपाय किया, जो उपाय हम सबको करना चाहिए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये त्रिकाला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये त्रिकाला। लगे कहन श्री राम जय राम जय जय राम,
लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भये तिहि काला, दक्ष प्रदेश भये तिहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये हम दुनिया वालों को मानो भोलेनाथ ने बताया कि प्यारे तुम भी जब कभी संसार के दुखों से आहत हो जाओ, परेशान हो जाओ, घबरा जाओ, तब तुम्हें भी राम कथा का आश्रय करना चाहिए, भगवान के चरित्र का आश्रय करना चाहिए, शास्त्र पुराणों का आश्रय करना चाहिए, भगवद गीता का आश्रय करो, श्रीमद् भागवत का आश्रय करो, रामायण का आश्रय करो, इन शास्त्रों का आश्रय करो। ध्यान देना प्यारे, दुनिया तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया स्वयं रो रही है। हाँ, तुम जिसके सामने कह रहे हो ना, वो खुद दुखी है। फर्क इतना है कि तुम बता रहे हो और वो चुप है। कौन दुखी नहीं है? हाँ, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा? यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। सभी के दामन तो भीगे, इसलिए दुखों से निजात पाना चाहते हो, भगवान का आश्रय करो, भगवान के चरणों का आश्रय करो। इसलिए भोलेनाथ ने राम कथा शुरू कर दी, और आप महसूस करते हैं कथा में आपको फिर कोई दुख नहीं है। हाँ, यहां तो सिर्फ और सिर्फ मस्ती है, आनंद है, यहां कोई तकलीफ नहीं है। और यही नहीं, कभी घर पर भी आप बैठे हो, किसी समस्या से आप परेशान हो, तो मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, कभी गीता लेकर बैठ जाओ, रामायण लेकर बैठ जाओ, 10 मिनट में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप कभी अनुभव तो करो, प्रयोग तो करो, क्या नहीं है शास्त्रों में। हाँ, एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही कि जो रामतृत मानस में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और जो दुनिया में कहीं भी नहीं है ना, उसका उत्तर भी रामतृत मानस में है। सब कुछ है रामायण में। मेरा मन तो दीवाना हो गया, आप कोशिश तो करो साहब। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गाके, मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गाके, मेरा मन दीवाना मस्ताना हो गया राम नाम गुण गाके, मेरा दिल मस्ताना, तालियां बजाते हुए राम गुण गाके, मेरा दिल मस्ताना हो गया राम नाम गुण गाके, मेरा दिल मस्ताना
दीवाना हो गया लगन लगी है श्री राम भजन की मुझे लगन लगी है श्री राम भजन की मुझे लगन लगी है श्री राम भजन की मुझे लगन लगी है सबका ये श्री राम भजन की कुछ होश नहीं है अब अपने तन की होश नहीं है मुझे अपने तन की कुछ होश नहीं है मुझे अपने तन की दुनिया से बेगाना हो गया राम नाम गुण गावे दुनिया से बेगाना हो गया राम गुण गावे दुनिया से बेगाना इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो मैं उनको बता दूं श्री राम कथा पहचान है मेरी श्री राम कथा पहचान है मेरी बस ये राम कथा ही मेरा परिचय है हाँ श्री राम कथा पहचान है मेरी श्री राम कथा कृष्ण कथा ये जान है मेरी और कृष्ण कथा ये जान है मेरी जीने का सहारा मिल गया राम नाम गुण गावे जीने का सहारा हो गया हरि बोल जीने का सहारा
मस्ताना हो गया राम नाम गुंगा हो गया दिल मस्ताना हो गया राम नाम गुंगा राम नाम गुंगा के केवल इसका आश्रय दुखों से निजात पाना है भगवान के नाम का आश्रय बस आज इतना ही 6 बज रहा है कथा को विराम करने का समय लेकिन हां अभी कोई खड़े ना हो 5 मिनट कुछ सूचनाएं मैं आपको यहां से दे दूं एक तो कल के लिए खास सूचना मैं दे दूं पहले कल की कथा में इसी पांडाल में अयोध्या का दर्शन हम लोग करेंगे रामलला का कल प्रागट्य उत्सव हम सब लोग मनाएंगे तो कल आप आए तो ऐसा सोच कराना कि हम दशहरा मैदान में नहीं दशरथ जी के राज महल में जा रहे हैं कल लाला आने वाला है और 2-3 बातें और सूचना में दे दूं एक तो जिन्होंने पिछले 2 कथाओं में दीक्षा ली है उन सारे शिष्यों को और भक्तों को मैं सूचना कि आप अपना एड्रेस टेलीफोन नंबर वगैरह ताकि आपको आश्रम से सारी सूचना प्राप्त होती रहे समय समय पर तो जो भी जिन जिन भक्तों ने पहले पिछली कथाओं में दीक्षा लिया था आप कार्यालय से फॉर्म लेकर उसको भर लेना और कार्यालय पर ही जमा कर देना ताकि सभी को समय समय पर सूचना मिलती रहे और दूसरी बात बहुत सारे भक्त जो साहित्य के प्रेमी हैं अभी मैं मुंबई में था तो एक सज्जन ने मुझे कहा साहित्य के विषय में तो मैं उन ऐसे जो साहित्य प्रेमी भक्त लोग हैं मैं उनको ये सूचना दे रहा हूं कि आप चाहें तो मेरी व्यासपीठ से जो भी यहां से निकलता है उसको शब्द के रूप में पुस्तक के रूप में बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन आ चुके हैं तो कार्यालय पर बगल में स्टॉल पर आप वो भी ले सकते हैं कुछ पुस्तकें यहां भी हैं एक तो कांटों से भी खुशबू आए इसका ये टाइटल है आप चाहें तो अब इसमें मैं आपको सार चीजें बता देता हूं कि महात्मा लोग ऐसे परमात्मा के करीब होते हैं कि वहां कोई कांटा भी उनके करीब आ जाए तो कई बार महात्माओं की संगति में वो कांटा भी खुशबू देने वाला फूल बन जाता है तो ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र इस पुस्तक में तो आप कोई भी टेलीविजन के माध्यम से भी आप यदि लेना चाहे तो आप ले सकते हैं और श्रीलंका में जब कथा हुई थी तो 7 दिन तक हनुमान जी महाराज के चरित्र पर ही कुछ व्याख्यान मेरी व्यासपीठ के द्वारा हुआ था तो हनुमत दर्शन के नाम से ये पुस्तक भी जो भक्तों के लिए अवेलेबल है और अलग अलग पुस्तकें हैं आप बहुत ज़्यादा नहीं और संपूर्ण राम कथा का एक बड़ी पुस्तक बनाया गया है मानस दर्शन के नाम से जिसमें 9 दिन की 54 घंटे की कथा शाब्दिक रूप में जो कथा के प्रेमी लोग हैं मैं उनको ये बात कह रहा हूं जो साहित्य के प्रेमी जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको गंदी चीजें पढ़ने से अच्छा है भगवान की पुस्तकें पढ़ी जाए अच्छी चीजें पढ़ी जाए तो
ऐसे भक्त लोग भी आप ले सकते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो लोग साहित्य के प्रेमी हैं। इसलिए हरि नाम सुमिरन भाव और प्यार से। हरे रामा रामा राम 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 हरे राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा हरि वो हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा सीता राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम हरि वो हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो आरती करो शंकर आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती ओम नमः शिवाय 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 महादेव जय जय शिव शंकर हे गंगाधर हे डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर हे गंगाधर हे डमरूधर सिर पे शशि का मुकुट संवारे तारु की पायल झनकारे सिर पे शशि का मुकुट संवारे तारु की पायल झनकारे तारों की पायल विश्वधर की आरती करो शंकर की आरती करो हरिहर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
शिवा भगवान की। रामायण मैया।